नेता और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, धीरेंद्र जी की मुख्य सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, रजनी तिवारी जी जो राज्य मंत्री हैं उच्च शिक्षा की, मुख्य सचिव महोदय दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा भोबड़े जी, उपस्थित सभी बंधुओं, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कुलपति महोदय, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, मैं इस मंच से पूरे सदन यानी मुख्यमंत्री जी सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि अपने अमूल्य समय में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया है यहां पर, इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार और स्वागत है। मंच पर बैठी सभी शख्सियत अपने अपने विभागों के विशिष्ट जन हैं, इन्होंने भी अपने समय में से कुछ क्षण निकालकर हमको कृतार्थ किया है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत मात्र सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत इसलिए कि उन्होंने अपने तरुण काल में ही तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूँ, इस पंक्तियों को आदर्श वाक्य मानकर अपना जीवन समाज कल्याण के लिए होम कर दिया और एक वैराग्य का जीवन व्यतीत किया, उसकी ओर आगे बढ़े। इसलिए जो हमारा अनुभव है, हम कहते हैं कि ही इज गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज डिवाइन सोल ऑल्सो, तो ऐसी आत्मा जो हम लोगों का नेतृत्व कर रही है पूरे प्रदेश का, उसका अनुभव मुझे जब हुआ, जब माननीय के आदेश पर निर्देश पर मैं नीदरलैंड और पेरिस गया और वहां पर मैंने कहा कि मैं यूपी से हूं, तो बोले ओ योगीज स्टेट, यू आर फ्रॉम योगीज स्टेट। ये सुनकर मेरा सीना 56 इंची का हो गया कि हम उस जगह के वासी हैं जहां योगी जी नेतृत्व करते हैं। बहुत कुछ कहना, क्योंकि योगी जी के बारे में कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनका अभिनंदन सिर्फ इसलिए है, मुख्यमंत्री हैं इसलिए नहीं है, उनका अभिनंदन है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी है, कानून व्यवस्था को नई दिशा दी है और साथ ही अब आर्थिक उन्नति की ओर इसको ले जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं अपने इस सदन में, इसमें 30 वर्तमान निजी विश्वविद्यालय के संचालित सभी प्रतिनिधि हैं, 11 निजी विश्वविद्यालय जो जिनके आशय पत्र निर्गत किए जा चुके हैं माननीय योगी जी के आदेश पर निर्देश पर और उनके मार्गदर्शन पर जो गति प्रदान हो रही है हमारी शिक्षा को, ऐसे 11 निजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं, उन सबका स्वागत है। आपके नेतृत्व में गुणवत्ता की में भी वृद्धि हुई है और प्रसार भी हुआ है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही शिक्षा की बेहतर हुई है। क्वालिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश पहले एक भी A++ का विश्वविद्यालय नहीं था, आपके मार्गदर्शन में निर्देशन में जो प्रयास हुआ है उसमें A++ जो दो राज्य के विश्वविद्यालय हैं
और कई निजी विश्वविद्यालय हैं जो ये डबल प्लस में आ गए, और लगभग 5-6 विश्वविद्यालय बिल्कुल उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां ए प्लस या ए डबल प्लस उनको मिलने वाला है। सर 5 तो हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, 5 प्राइवेट है। हाँ, हो चुके हैं। हाँ, मैं निजी की बात कर रहा था अभी, और उसके सरकारी विश्वविद्यालय की बात कर रहा था। इस कॉन्क्लेव में आयोजन से उत्तर प्रदेश सरकार को उच्च शिक्षा हेतु व छात्र हेतु नई यूजर फ्रेंडली व इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों को गठन करने में मदद मिलेगी। इस कॉन्क्लेव से निजी विश्वविद्यालयों के 12 कुलाधिपति, 20 कुलपति तथा राज्य विश्वविद्यालय के 19 कुलपति भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उच्च शिक्षा संस्थानों में निवेश हेतु जो आर्थिक शक्ति माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु अब तक 54 निवेशकों द्वारा कुल 1,57,000 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग 6.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का सृजन होगा। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका निर्देशन हमको मिल रहा है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और आपकी उन लगातार सम्मान भरी तालियों के मध्य हम विनम्र